ऊपर और हम लोग कठौतिया डैम आ चुके हैं। यहाँ पे मेरी गाड़ी बन चुकी है तो हम लोग चल रहे हैं। तो भाभी लोग तो चली गई है और यहाँ से निकलना है और जाना भी है और आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। तो डायरेक्ट आपको हम मिल करके आपको वहाँ पे, और ये छोटी सी बाजार है ये देखो। हम लोग यहाँ से एंट्री कर रहे हैं जाने के लिए ना जी, यही रास्ता जाएगा ना वहाँ पे मुरमा, मुरमा होते हुए जा रहे हैं ना, और यहाँ भी पूरा। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ और चढ़ रहे हैं ऊपर और बांध के नीचे लगा दिए हैं गाड़ी। तो देख सकते हैं यहाँ पे जा रहे हैं ऊपर बांध से। हेलो, नमस्कार, प्रणाम, जोहार, वेलकम टू न्यू ब्लॉग, सुषमा ब्लॉग में स्वागत है। आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाली है। स्पेशल क्यों होने वाली है तो आप ब्लॉग पे बने रहिए कंटिन्यू। और ब्लॉग के ये चलाएगा, काटना नहीं भाई, कुछ खाने वाला है नहीं, खाने वाला दे देते खाने के लिए होता तो। क्या खाएगा क्या खाएगा? अरे देख सकते हैं ना पूरा एकदम सट गए हैं। कहाँ से लिए हैं आप लोग? जंगल से आए हैं। और कुछ मल्ला डैम के बारे में बताइए, आप लोग लोकल हैं तो कुछ भी। यहाँ ये जो डैम है इतना भी खाली है, पहले एकदम पूरा भरा हुआ रहता था क्या? पहले भरा हुआ रहता था, इन साल पानी नहीं मारा है। पूरा एकदम इधर ही घर है तो आप लोग मतलब यहाँ पे जब ये भरा हुआ रहता था कितना दूरी तक भरा रहता था? पूरा नीचे ऊपर जितना अच्छा होगा। आ जाइए एक मिनट, ज्यादा समय नहीं लेंगे, अभी बंद कीजिए ना। चल सकते हैं हम यहाँ पे आपको मिला रहे हैं बहुत खूबसूरत। ये राम जी को ये सहयोग किए थे है ना, राम अवतार में जो की रामायण आप लोग देखते हैं तो सेम टू सेम मतलब बहुत अच्छा हाथ भी मिलाता है, देख सकते हैं। और ये है, आप मिलिए खंबा से, ये देखो खंबा, इधर आ, देखो इधर हाथ मिला खंबा, देखो दे इधर हाथ दे, हाथ मिलाओ, देखिए हाथ मिलाओ, इधर देखो, इधर देखो बहुत अच्छा से हाथ मिला था, हाथ मिला खंबा, देखो इधर देखो हाथ मिलाओ, इधर देखो हाथ मिला। और अभी शायद ये हो गया है, डरने लगा है ये ना, और बहुत अच्छा से एकदम हाथ मिलाया था, गाड़ी पे मिलाया था ना। तो भैया आप ना दो शब्द बोलिए यहाँ के बारे में, मल्ला डैम के बारे में, यहाँ कहाँ कहाँ हम मिलवाते हैं आपको लोग है तो ज्यादा जानकारी होगा इनको, तो थोड़ा सा भैया बताइए यहाँ का मल्ला डैम के बारे में, जो की कहाँ कहाँ पानी सप्लाई होता है। और देख रहे हैं कि नया नया टंकी बना हुआ है, ये टंकी से कहाँ से कहाँ तक पानी जाएगा वो बताइए जरा सा। देखिये यहाँ से पानी सतबरवा हो गया, पोची हो गया, रेडेरवा हो गया, खामडी हो गया, पुलपुल हो गया, लेसनिंग तरफ पानी जाता है, पूरा सिंचाई इधर होता है। अच्छा। और ये जो बना हुआ टैंकी से रिफाइन होगा पानी, यहाँ पे यहाँ से फिर चला जाएगा आपको पूरा घर घर पानी, घर घर पानी जाएगा। बकौरिया हो गया, तुमागड़ा हो गया, सतबरवा भी हो गया, कसियाडी हो गया, उन्हें मतराम जितना जो भी है, और वहाँ पे चरवा भी हो गया, उन्हें पूरा जाएगा यहाँ से मल्ला डैम से, मल्ला डैम से। अच्छा। और यहाँ पूरा इसी तरह से पानी, अभी तो पानी बारिश ना होने के कारण थोड़ा सा कम है ना बारिश, ये पानी एकदम कम, पानी होने के कारण तो पानी भरा हुआ है, पहले पानी नहीं था। हाँ, पानी अभी है, पहले पानी नहीं था, नहीं था। पूरा सूखा हुआ था, हाँ पूरा मतलब ये सुनसान हो गया था। और इस बार ज्यादा खेती भी नहीं हुआ है, इस वर्ष में धान भी नहीं रोपाई हुआ, और पूरा देख रहे थे नहर पूरा आने समय पूरा एकदम सुनसान है, एकदम खाली है, नहर बंद किया हुआ है, पानी कम के अलावे भी नहर बंद। इस बार तो लगता है कि ये सिंचाई भी नहीं होगा इसका, ये गेहूं वाला गर्मी वाला नहीं होगा, क्योंकि इसमें पानी ही नहीं है तो कहाँ से आएगा है ना। इसमें पानी अभी 10 वर्षा से
नीचे का पानी 10% है जो पानी जो गेट से होता है पानी ना गेट से लाइक है गेट से नीचे भी 4% 5% होगा पानी 4% हां 5% हो जाएगा 5% वैसे पूरा भरता है भैया तो इसमें कम से कम आपको 15% पानी आप लोग लोकल है ना 15% पानी इस साल पानी नहीं मारा है ये मलाई का आपका मलाई का आपका कम से कम 3 किलोमीटर लंबा है 4 किलोमीटर लंबा है यहाँ से समझिए बकरे से बांध धरता है ये वाला हाँ इधर यहाँ से बकरे से बांध धरता है तो पूरा वो नदी पूरा उधर नदी हाँ पूरा यही वाला है वो मलाई नदी है हाँ पूरा यही चला गया नदी है वो ना तो ये नदी को बांध करके तो ये डैम बनाया गया है ना डैम बनाया गया तो पूरा आपका इधर हो गया सेरंगदा हो गया उन्हें बंजारी हो गया इधर अति हो गया चपरना हो गया इधर सब गांव है अच्छा है। ना पानी की वजह से पूरा सुनसान है ना अच्छा चलिए दोस्तों बहुत भैया बहुत अच्छे से जानकारी दिए और कहां कहां यहां पे पानी सप्लाई होता है कैसे और ये सब हमको लग रहा है कि नया नया बना हुआ है कभी मतलब सुनने में मतलब हम सुनते हैं जबकि ये आजकल ये टंकी बन रहा है ये बन रहा है लेकिन फिलहाल सचमुच टंकी बन जाएगा तो बहुत अच्छा यहाँ पे सारे लोग आते हैं दूर दूर का देखने के लिए तो ये हमारा पलामू का स्वास्थ्य जल हो जाएगा हाँ पीने के लिए स्वास्थ्य जल हो जाएगा और ये हमारा पलामू की इतना अच्छा मतलब बड़ा डैम माना जाए इससे बड़ा डैम तो मंडल डैम है ना मंडल मंडल इससे बड़ा और इसको मलय डैम भी बोला जाता है और कठौतिया डैम भी बोला जाता है दो दो नाम से जाना जाता है ये कठौतिया डैम कठौतिया डैम और मलय डैम दोस्तों तो बहुत पहले बना हुआ है कितना बहुत पहले बना हुआ है कितना साल हो रहा है इसका 40 साल मत कहिए बेसी होता होगा बेसी हो गया 100 बरस से कम नहीं होता 100 बरस तो हो रहा है ना और पानी कहाँ से सप्लाई होता है किधर से निकलता किधर से पानी ये वाला निकलने के लिए है ये वाला ये भी इधर में जाली है नीचे जाली लगा हुआ है जाली है पानी तो नहर नहर आपको है ना नहर नहर आपको कमांड रह जाता है पिकअप हो जाता है यहाँ जाता है इधर हाँ इसमें यहाँ तक अंदर 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 से अंदर अंदर से अच्छा इसमें हम लोग काम किए हुए हैं जो ऊपर ऊपर जितना बना हुआ है ना अरे सब मोर हम लोग डाले हैं ट्रैक्टर से और एकदम पूरा देख सकते हैं पूरा पहाड़ को बांध करके एकदम बनाया गया है ना पूरा पहाड़ी पहाड़ है पहाड़ को तो कैसा लगा दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा अगर मलय डैम के बारे में अगर आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और प्लस ज्यादा सपोर्ट कीजिए आप लोग अगर हमें देखते होंगे तो हमारे कोई कमेंट कर रहे हैं हमारा ब्लॉग देख रहे हैं अगर आप कहीं बाहर से देख रहे हैं तो उस जगह पे नाम बताइए आप ठीक है दोस्तों तो चलिए घूम तो ये है सीढ़ी तो हम लोग सीढ़ी से जा रहे हैं ये देख सकते हैं ये है सीढ़ी तो इसी सीढ़ी से हम लोग को जाना है तो घूमे फिर और यहाँ के बारे में बहुत अच्छा से जानकारी मिला तो चलो चलते हैं इस तरह से यहाँ एकदम नजारा लुक और यहाँ पे पानी की वजह से हम लोग बोट पे नहीं गए और अकेले और बोट भी है उधर वो साइड में देख सकते हैं दोस्तों वहां पे वहां बोट भी है और देखते हैं कि बोट पे चढ़ते भी हैं घूमते भी हैं लेकिन हमें काफी लेट हो रही है तो इसलिए थोड़ा सा आपको हम दिखाएंगे और बोट पे हम लोग उतना नहीं चढ़ेंगे ठीक है तो 2-3-4 रहने से अच्छा होता है ये बन रहा है पानी टंकी और एकदम यहाँ से पूरा एकदम सप्लाई होगा पानी तो जैसे ये देख सकते हैं पूरा एकदम पानी नहीं था नहीं है तो इसकी वजह से भी खाली खाली लग रहा है ना जी तो चलो चलते हैं फिलहाल 4 बज गया है लग रही है और ऐसे जाते जाते हमें लेट तो हो जाएगा वहां से सीधे हम वहीं पे जहां हम गए थे इधर चढ़ करके और डायरेक्ट नीचे ही उतरे थे तो वहां से कनेक्शन यहां है पानी आने का और ये देख सकते हैं यहीं से पानी सप्लाई होती है ये देख सकते हैं ये यहां इतना पानी है तो इधर यहां पूरा पानी थोड़ा थोड़ा है और नहीं तो पूरा यहां एकदम भरा भरा पानी होता है और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा थैंक यू बाय बाय फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू टॉपिक के साथ।
कैसा ब्लॉग लगता है वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा, और कहाँ से देख रहे हैं हमारा ब्लॉग वो भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें अच्छा लगेगा कि आप हमारा ब्लॉग कहीं दूर दूर तक जा रहा है। तो बहुत मेहनत से भी बनाते हैं, बहुत मतलब आप अगर एक कमेंट कीजिएगा तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलेगी और बहुत मतलब हौसला भी मिलेगा। तो चलो चलते हैं घर की तरफ, ज़्यादा लेट हो रहा है। और ये देख रही है, ये क्या चीज़ है जी? अरे पता नहीं, मशीन है। घर के तो और अपना घर चलेंगे, और यहाँ देख सकते हो पूरा एकदम बिजली उजली एकदम बढ़िया से है, पूरा खंभा गड़ा हुआ है, और इधर बैल वगैरह चल रहे हैं, इधर बैल गाय इधर एकदम मस्त, पूरा चारों ओर जंगल ही जंगल मिलेगा आपको। तो चलो हमारी गाड़ी निकल चुकी है, तो जस्ट हम लोग निकलने वाले हैं घर की, घर चल रहे हैं।